लेकिन उससे पहले जो ईवीएम को लेकर जो लगातार ईवीएम को लेकर जो लगातार कल से परसों से जो माहौल जो बनाया जा रहा है उसको लेकर स्पष्टीकरण बिल्कुल साफ सटीक रहना चाहिए कि ईवीएम में जो छेड़छाड़ की जो खबरें, ईवीएम को लेकर जो तमाम तरीके की जो बातें जो हवा में तैरने लगती है, और मुख्य रूप से अगर कहूं तो उत्तर प्रदेश में जो इस वक्त तैर भी रही है, सबसे पहले तो आप पैटर्न देखिए, एग्जिट पोल के बाद जैसे ही एग्जिट पोल के नतीजे आए वैसे ही ईवीएम के साथ गड़बड़ी, ईवीएम को लेकर तरह तरह की बातों की खबरों के साथ पूरा उत्तर प्रदेश इस वक्त पटा हुआ है। लेकिन एक चीज को साफ करते हैं कि 2017 में इलेक्शन कमीशन ने बकायदा कहा था कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी जितने बड़े इंजीनियर को लाकर अगर ईवीएम को हैक कर सकती है तो दे आर इनवाइटेड। लेकिन एक भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं पहुंची, नॉट अ सिंगल पॉलिटिकल पार्टी, बीट कांग्रेस, बीट समाजवादी पार्टी, बीट एनीवन, एक भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं। और आपको एक और बात बता दूं कि दिल्ली में ईवीएम को हैक करने वाला एक वीडियो जो आज भी मैं देख रहा था कि कल भी सोशल मीडिया पर काफी जगह राउंड्स कर रहा था, काफी जगह तैर रहा था, वो वीडियो जिसमें ईवीएम हैक किया गया था वो दरअसल वो ईवीएम नहीं है जो चुनाव में यूज होती है, वो ईवीएम खुद का बनाया हुआ था और खुद ही ने हैक कर लिया। इट्स लाइक न्यूज वर्ल्ड इंडिया की वेबसाइट कोई बनाता है और उस वेबसाइट को खुद ही हैक करके दिखाता है, तो वो पायरेटेड वेबसाइट है, उसको वो खुद ही हैक कर रहा है। इसका न्यूज वर्ल्ड इंडिया की ओरिजिनल वेबसाइट से कोई लेना देना नहीं। ऐसा ही है कि हम अपने घर पर ईवीएम बना दें, उसकी एक कॉपी बना दें, डमी कॉपी बना दें और फिर उसको खुद ही हैक करके दिखा दें, यह ऐसा ही है। और एक और चीज इससे इतर कि स्ट्रांग रूम जहां पर ईवीएम को रखा जाता है, सबसे पहले तो जिस जिले में मतदान हुए हैं उस जिले में एक स्ट्रांग रूम होता है, सबसे पहले तो ईवीएम उस स्ट्रांग रूम में आते हैं, उस स्ट्रांग रूम में 24 आवर्स वीडियोग्राफी होती है, वहां पर वीडियो कैमराज लगे होते हैं, इसके बाहर सुरक्षा की लेयर्स होती है। इन स्ट्रांग रूम्स में कोई ऐसे नहीं जा सकता और बकायदा एक एक नंबर रजिस्टर्ड होता है, एक एक अंक रजिस्टर्ड होता है। और जब आप ईवीएम में जब मतदान जिस दिन होता है ईवीएम में जो आप पहला वोट करते हैं, जब आप वीवीपैट में देखते हैं कि किसको वोट गया है, तो पहले वोट पर जो टाइमिंग होती है वो फिक्स होती है और उसको कभी भी उसको जांचा परखा जा सकता है। तो पहले वोट की टाइमिंग फिक्स होती है और लास्ट वोट जो आप ईवीएम से देते हैं उसकी भी टाइमिंग फिक्स होती है। तो पहले वोट की टाइमिंग एंड लास्ट वोट की टाइमिंग दोनों फिक्स होती है, इनको कभी भी जांचा और परखा जा सकता है। और उसी दिन की टाइमिंग होती है, सब कुछ उसी दिन का होता है, तो ईवीएम को हैक नहीं किया जा सकता। ईवीएम के साथ छेड़छाड़ की खबरें बेमानी हैं, लेकिन जैसी उदंडता, जैसी अराजकता ईवीएम के साथ छेड़छाड़ के नाम पर बीते दो दिन उत्तर प्रदेश में देखी गई, ये कहीं ना कहीं प्रशासन पर बड़े सवाल खड़ा करता है कि किस तरीके से एक पॉलिटिकल पार्टी के नेता एक निर्वाचन आयोग के अधिकारी की गाड़ी को चेक कर रहे हैं। यह उदंडता है कि किस तरीके से निर्वाचन आयोग के अधिकारी, किस तरीके से पोलिंग बूथ पर और किस तरीके से मतगणना स्थल पर पहुंचते अधिकारियों की गाड़ी को जांच रहे हैं ये पॉलिटिकल पार्टीज के लोग। और जबकि ये बात बिल्कुल क्लैरिटी के साथ है कि जब इलेक्शन कमीशन बुलाता है कि आइए और बताइए कि हाउ कैन वी हैक दिस मशीन, तो कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं। लेकिन अगर ट्रेनिंग के पर्पस से इधर से उधर ईवीएम मशीन्स को शिफ्ट किया जाता है तो पॉलिटिकल पार्टीज के लोग इनको पकड़कर इतना हल्ला बुल्लू क्रिएट करते हैं। लेकिन क्लैरिटी के साथ कुछ भी क्लैरिटी के साथ इन सभी चीजों पर नजर बना के रखेंगे और थोड़ी ही देर के बाद रुझान आने शुरू हो जाएंगे। थोड़ी ही देर के बाद, चंद मिनट के बाद आपको बता दें कि 5 मिनट से भी कम समय के भीतर रुझान आने शुरू हो जाएंगे। और न्यूज वर्ल्ड इंडिया पर आप मेरी सहयोगी काजोल नारायण को देखेंगे। काजोल नारायण, आपके सामने हर रुझान का एक एक वन टू वन अपडेट आप तक रखेंगी, कट टू कट। और सबसे पहले आप तक सिर्फ न्यूज वर्ल्ड इंडिया पर। शुक्रिया।